भारत के योग गुरु जो अमर्यादित भाषा कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी के बारे में कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं वो बहुत निंदनीय है, और युवा कांग्रेस NSU उसकी बहुत निंदा करता है। उनको अपना मानसिक संतुलन, मेरे को लगता है कि बाबा रामदेव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सभी को सम्मान पाने का, सम्मान लेने का अधिकार है, और उन्होंने व्यक्तिगत लांछन लगाकर माननीय राहुल जी गांधी के ऊपर अपने मानसिकता का दिवालापन होने का घोषित किया है, जो कि बहुत निंदनीय है। हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसी के लिए आज रामदेव का पुतला जलाए थे। और अगर रामदेव बाबा अपने इस करतूत से बाहर नहीं आए तो आने वाले समय में जितने भी उनके प्रोडक्ट हैं जिनसे वे पैसा कमाते हैं, अभी उनका पता चला कि 11,000 करोड़ रुपए का उनका अभी संपत्ति है, तो ये सब पैसा जो है लूट खसोट और गलत कार्यों से कमाया जा रहा है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और बाबा रामदेव को मर्यादित भाषा में रहकर अपने आचरण के अनुरूप आचरण करना चाहिए, ऐसी गंदी बातें नहीं करना चाहिए किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता के लिए। जो रामदेव बाबा का जो बयान आ रहा है और निरंतर कितने दिनों से वे सिर्फ कांग्रेस के ऊपर हमला किए जा रहे हैं, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उनको ये भाषा उनको शोभा नहीं देती है, और अगर वो इसी तरीके से अपनी करतूतों से बाज नहीं आएंगी तो धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी की ये युवक कांग्रेस और NSU की संगठन उनका निरंतर विरोध करती जाएगी, जिसका सामना उनको करना पड़ेगा। वे जहाँ भी जाएंगे हम निरंतर ही सक्रिय रूप से उनका विरोध करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस विरोध प्रदर्शन के बाद उनके द्वारा जो अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है वो उन पर नियंत्रण रखेंगे, वरना हम युवक कांग्रेस और NSU के लोग अपनी इस विरोध प्रदर्शन को आगे भी जारी रखेंगे।